भागलपुर में वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम के नेतृत्व में हबीबपुर थाना क्षेत्र के करोड़ी बाजार में शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। वरीय पुलिस अधीक्षक एएसपी सहित कई थाने की पुलिस और सीआईटी की टीम के द्वारा मोहल्ले के कई घरों में तलाशी ली गई, जिसमें कुछ घरों से देसी शराब और बियर की बोतल सहित शराब बनाने के बर्तन के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुलिस की रेड लगातार जारी है। यहाँ पूरे जिला में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आज यहाँ करोड़ी बाजार में भी कुछ घरों में सूचना थी शराब बनाने की, यहाँ छापामारी हुई है। एक घर से कोई बरामदगी भी हुई है, महिला की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा एक जगह और ताड़ी भी नष्ट करने का प्रमाण मिला है। पुलिस को देख के कुछ लोगों ने शायद नष्ट कर दिया है, तो ये कार्रवाई अभी यहाँ जारी है। और भी हमारे पास कुछ नाम हैं, शहर के दूसरे हिस्से में भी जहाँ सूचना वहाँ भी छापामारी की जाएगी। बाईपास में भी सर लगातार दो दिनों से शराब बरामद हो रहा है। बाईपास में भी बरामद हुआ है, जो झारखंड की तरफ से लाया जा रहा था, वहाँ पर भी हम लोगों ने अपना नेटवर्क बनाया है आज सूचना संकलन के लिए। और इसके अलावा जो दियारा क्षेत्र है वहाँ पे जहाँ शराब बनाने की सूचना है, दियारा में भी छापेमारी कार्रवाई की जा रही है। आगे किस तरह की और कार्रवाई की जाएगी सर? ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी। ऐसी आशंका रहती है कि नए साल के दौरान शराब की खपत और बिक्री बढ़ने की संभावना रहती है, इसको देखते हुए पूरे जिला में ये विशेष अभियान। भागलपुर में दूसरे चरण के लिए 28 दिसंबर को होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशियों द्वारा चुनाव का प्रचार प्रसार जोर शोर से चलाया गया। वहीं आज चुनाव प्रचार के अंतिम दिन शाम में 5 बजे के बाद प्रत्याशियों द्वारा किया जा रहा चुनाव प्रचार थम गया। इस दौरान चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों ने जनता को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए सभी तरह के हथकंडे अपनाए, जहां कई प्रत्याशियों ने ढोल नगाड़े के साथ तो कई प्रत्याशियों ने अपने लाभ लश्कर के साथ डोर टू डोर कैंपेन कर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। आपको बता दें कि इस बार नगर निकाय चुनाव में जनता पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मुख्य पार्षद के लिए अपना मतदान करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि कौन मेयर पद, कौन उप मेयर और कौन पार्षद पद को सुशोभित करते हैं। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में भागलपुर नगर निगम के लिए होने वाले चुनाव के प्रचार का शोर शराबा थम गया। अब 28 तारीख को मतदान होना है, जबकि 30 तारीख को परिणाम आने हैं। प्रचार के अंतिम दिन मेयर, उप मेयर और पार्षद प्रत्याशियों ने रोड शो के जरिए अपना दमखम दिखाया और अपने कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने का प्रयास किया। नगर निगम भागलपुर के मेयर पद की प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल का रोड शो गौशाला के प्रांगण से दिन के 1 बजे से शुरू हुआ। रोड शो के पूर्व भागलपुर की पूर्व उप महापौर और वार्ड 19 से पार्षद प्रत्याशी प्रीति शेखर पहुंची और प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल को फूल माला पहनाकर उनका अभिवादन किया। रोड शो गौशाला परिसर से निकलकर कोतवाली चौक, एमपी द्विवेदी रोड, स्टेशन चौक, वैरायटी चौक, खलीपाबाग चौक, घंटाघर चौक, आदमपुर चौक, मनाली चौक, कचहरी चौक, भीकनपुर, मुंदी चक, इसाक चक, मिर्जान, अलीगंज सहित शहर के लगभग सभी क्षेत्रों से गुजरी। मेयर प्रत्याशी वसुंधरा लाल के रोड शो में काफी अधिक संख्या में उनके समर्थकों की भीड़ पूरे रोड शो के दौरान जुटी रही। समर्थक लगातार वसुंधरा लाल जिंदाबाद के नारे लगाते रहे और अपने प्रत्याशी में जोश भरते दिखे। वसुंधरा लाल खुली गाड़ी में सवार होकर पूरे शहर में हाथ हिलाकर और प्रणाम कर लोगों का अभिवादन करती रही। वहीं बाजार में कई जगह लोग फूल माला लेकर उनके स्वागत में दिखे और डॉक्टर वसुंधरा लाल के आने पर फूल माला देकर उनका अभिवादन किया। रोड शो करने के दौरान मीडिया से बात करते हुए मेयर प्रत्याशी डॉक्टर वसुंधरा लाल ने कहा कि आज की भीड़ देखने के बाद मैं जीत के प्रति आश्वस्त हूं और जनता के सहयोग से मैं मेयर पद पर जरूर आऊंगी। प्रत्याशी वसुंधरा लाल के साथ चल रहे उनके समर्थक काफी जोश में दिखे और उन्होंने डॉक्टर वसुंधरा लाल के जीत के दावे के साथ कहा कि अब वसुंधरा लाल की जीत पक्की है। पूरे भागलपुर के हर वार्ड से डॉक्टर वसुंधरा लाल लीड करेंगी और भागलपुर का मेयर बनकर स्मार्ट सिटी भागलपुर, जो सिर्फ कहने के लिए स्मार्ट सिटी है, को सच में स्मार्ट सिटी बनाकर दिखाएंगी। बताइए मैडम, इस बार कैसा लग रहा है रोड शो में? आखिरी चुनाव प्रचार का दौर है। रोड शो से मैं बहुत खुश हूँ। सब लोग घरों से निकल के विक्ट्री साइन दे रहे हैं। मुझे लग रहा मैं पूर्ण बहुमत से आ रही हूँ। क्या अपील करना चाहेंगे जनता से? मैं जनता से अपील करना चाह रही हूँ कि आप मुझे भारी भारी बहुमत से जीत दिलाएं। मैं मेयर पद पे आसीन हो करके आप सबों की सेवा कर सकूं। और क्या लग रहा है, माहौल किस तरह से देख रही हैं आप? माहौल मेरे फेवर में लग रहा है, 101% फेवर में लग रहा है। लग रहा है कि जनता मुझे इतना पसंद कर रही है, उनको लग रहा है कि मैं मेयर बन के उनके पास जाऊं। अपील क्या करेंगी जनता से आज के इस शो में? मैं अपील करना चाहूंगी कि आप संयम के साथ, धैर्य के साथ, अपने कुटुंब परिवार के साथ सब लोग मिल कर के 28 तारीख को बूथ तक जाएं और पूरी तरह से
जीत हमको दिलाएं। धन्यवाद। थैंक यू। ये थी डॉक्टर वसुंधरा लाल, जिनके काफिले को आप देख सकते हैं कि किस तरह से लंबा ये रोड शो है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, 5 बजे चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा और उस कड़ी में ये लंबा जनसंपर्क अभियान इन्होंने किया है, रोड शो शक्ति प्रदर्शन इसे कह सकते हैं। और वसुंधरा लाल के समर्थन देखिए, कुछ जो लोग हमारे साथ कर दिया, जनता का फूल समर्थन कर दिया, वसुंधरा लाल जिंदाबाद, एमडम साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भागलपुर जनता जिंदाबाद। क्या मूड है इस बार आप लोगों का? बहुत बहुत विकास होगा भागलपुर में, जो नहीं किया है पिछले मेयर ने वो इस बार विकास कर करके दिखाएगा। ये कुछ का उनके समर्थक हैं जो नहीं समर्थन में पिछले मेयर के गुस्सा में बोल रहे हैं, हम लोग भी समर्थन में। और देखिए क्या कह रहे हैं, एक और कुछ हमारे साथ साथी बताइए। शहर में परिवर्तन की लहर है, मेयर पोस्ट के लिए माननीय वसुंधरा लाल, डॉक्टर माननीय वसुंधरा लाल आई हुई है हम सबों के बीच और हम सारे शहरवासियों का खुला समर्थन है उनके साथ। आप देख सकते हैं ये सारी भीड़ शहर में जो भीड़ लगी हुई है डॉक्टर वसुंधरा लाल के लिए ही लगी हुई है। हम सभी का समर्थन डॉक्टर वसुंधरा लाल के लिए है और ये शहर के बहुत सम्मानित महिलाओं में से है और महिलाओं की सम्मान की बात है। इस शहर में परिवर्तन की ज़रूरत है, इस भागलपुर शहर को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए इन्होंने जो कसम खाया है और इन्होंने जो वादा किया है हम शहरवासियों से, और मुझे पूरा विश्वास है कि इस वादे पर ये पूरा खरा उतरेंगी और हम लोगों का पूरे शहरवासियों का खुला समर्थन इनके साथ। माहौल तो भागलपुर का आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ डॉक्टर वसुंधरा लाल जी के इतने सारे चाहने वाले, जन जन की प्रिय आज डॉक्टर वसुंधरा लाल जी हो गई है। मेरा मानना है इस बार भागलपुर बदलाव के मूड में है और आप देखिएगा रिजल्ट बदलाव में ही आएगा, डॉक्टर वसुंधरा लाल जी ही मेयर बनकर के आ रही है। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, कितना जन समर्थन मिलता दिख रहा है? हमें जनता का लगभग मन जो है वो वसुंधरा लाल जी के पक्ष में होते दिखाई दे रहा है। हम हर बूथ से लीड करेंगे ऐसा मेरा मानना है। मूड पूरी भागलपुर की जनता एक तरफ मूड हो गई है, डॉक्टर वसुंधरा लाल सबके मुंह में वसुंधरा लाल, और इस बार नगर निगम को बनाना है नगर निगम, नरक निगम जो हो गई थी कुछ लोग के कारण, कुछ गंदे नीति राजनीति के कारण, वो सब साफ हो जाएगी इस बार। इस बार जनता ने चुन ली है डॉक्टर वसुंधरा लाल, तो वसुंधरा लाल एक तरफा जीतेंगे वसुंधरा लाल। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, जनता का मूड क्या दिख रहा है? पूरे जनता उमर के डॉक्टर वसुंधरा के साथ चल रही है, आप जुलूस में देख सकते हैं, शहर के जितने व्यवसायी है सब साथ चल रहे हैं, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है, पूरे व्यवसायी लोग उतर गए हैं रोड पे। नगर निगम बनाना है, नरक निगम को हटाना है, डॉक्टर वसुंधरा लाल लाना है, चेंज करना है। भागलपुर की जनता ने बिल्कुल मन बना लिया है इस बार वो एक अच्छे प्रत्याशी को, एक शिक्षित प्रत्याशी को और एक दमदार प्रत्याशी को इस बार भागलपुर का मेयर की कमान सौंपने वाली है। और निश्चित तौर पर मेरे को इस बार जनता ने मूड बना लिया है कि इस बार वो डॉक्टर वसुंधरा लाल को क्रमांक 5 टमटम छाप पे वोट देके इस बार भागलपुर का मेयर बनाएगी। और ये मैं नहीं कह रहा, जो भी लोग कह रहे हैं, आम जनता के बीच ये एक माहौल सा बन गया है। इस बार यहाँ भागलपुर की जनता वोट के ठेकेदारों और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ विकास के लिए वोट करेगी और डॉक्टर वसुंधरा लाल इस बार भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से मेयर की गद्दी पर बैठेगी और भागलपुर के विकास के लिए काम करेगी। पहली बार जनता मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करेगी, इसको लेकर के आप एक क्या सोचते हैं? यह निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं भागलपुर के लोगों के लिए एक सुनहरा अवसर है कि उन्होंने उनके हाथ में इस बार यह है कि वो भागलपुर के मेयर की गद्दी पे अपने चुने हुए प्रत्याशी को बैठाएगी। जैसा आपने पिछले कई वर्षों से या पिछले कई टर्म से देखा होगा कि कहीं ना कहीं मेयर की गद्दी पे वो लोग बैठते थे जो कहीं ना कहीं से पार्षद या एक अलग तरह का एक ये था, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं भागलपुर के लोगों को यह मौका मिला है और मैं उनसे विनती करता हूँ कि इस बार निश्चित तौर पे आप एक अच्छे प्रत्याशी को भागलपुर का मेयर बनाएंगे, भागलपुर के का नेता बनाएंगे, वैसे लोगों को नहीं बनाएंगे जो बार बार भ्रष्टाचार में लिप्त हो और 5 साल के बाद आ करके वो उनके या उनके करीबी जो आ करके खुलेआम बोल रहे हैं कि 5 साल इनको मौका नहीं मिला, क्योंकि यह कहीं ना कहीं
सिस्टम उनके खिलाफ था, वह सिस्टम मैं ये कहना चाहूँ ठीक है सिस्टम खिलाफ था, आप यह बोल रहे हैं, आप इस बात को जस्टिफाई कीजिए आगे आकर के, ये नगर निगम के पैसों से आपके घर में पैसा कैसे जा रहा था, इस बात को कौन जस्टिफाई करेगा? इस बात को जस्टिफाई करने वाला कोई नहीं है। नगर निगम की गाड़ियों को अपने पर्सनल यूज में आप ला रहे हैं, इस बात को कोई जस्टिफाई करने वाला नहीं है। लेकिन ये लोग जस्टिफाई किस बात को कर रहे हैं कि हमको एक मौका और दे दीजिए। कई लोग आ रहे हैं, भागलपुर के ऐसे नेता आ रहे हैं और यह कह रहे हैं कि नहीं भाई इनको एक बार फिर से मौका देना चाहिए। भ्रष्टाचार को छिपाने की इनकी ये आदत हो गई है, यह एक भ्रष्टाचार का सिंडिकेट काम कर रहा है वर्षों से भागलपुर में। और मैं निश्चित तौर पर बोलना चाहूँगा इस बार जनता ने मन बना लिया है और ये सारे नेता बेनकाब होंगे जो लोग भ्रष्टाचार के लिए के साथ है और भ्रष्टाचार में लिप्त है। राजेश वर्मा जी ने जो भी कहा है यह उनकी सोच हो सकती है, लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा आप भी तो किसी पैसे से आए थे, उन्होंने तो पैसे पे आवाज़ उठा दी, आप भी तो किसी पैसे में लिप्त है। और हर व्यक्ति का अपना पैसा होता है, यह तो एक ऐसे घर से आती है जिन्होंने बचपन से समाज सेवा के क्षेत्र में इनके पूरा परिवार काम किया है, और वो लोग क्यों आज भागलपुर के लिए आगे आ रहे हैं? वो लोग तो भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आ रहे हैं। 5 साल उनको डिप्टी मेयर की गद्दी पे भागलपुर की जनता ने बैठाया, उनको प्यार दिया और उन्होंने एक भी काम नहीं करने का काम किया, और आज आकर के वो मीडिया के सामने यह जस्टिफाई कर रहे हैं किस बात को लेकर के, आखिर क्या कारण है? ये मैं बताना चाहूँगा, यहाँ के लोगों ने इस बार मन बना लिया है और ये सारे नेता इस बार बेनकाब होंगे और निश्चित तौर पर डॉक्टर वसुंधरा लाल इस बार जीत के भागलपुर के मेयर की गद्दी पर बैठ गई है। बिहार में नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में 28 तारीख को मतदान होना है, जिसके लिए प्रचार का दौर आज शाम 5 बजे के बाद थम गया। पिछले कई दिनों से प्रत्याशी लगातार क्षेत्र में घूम रहे थे और मतदाताओं तक पहुंचकर अपने विजन से उन्हें अवगत करा रहे थे। प्रचार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने रोड शो कर अपने विरोधियों को अपनी ताकत का एहसास कराया, साथ ही अपने समर्थकों में जोश का भी संचार किया। नगर निगम भागलपुर में उप महापौर पद की प्रत्याशी संतोष कुमार ने अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया। भागलपुर के हवाई अड्डे से शुरू हुआ रोड शो तिलका मांझी, कहचारी चौक, घंटाघर चौक, खलीपाबाग चौक, वैरायटी चौक, स्टेशन चौक, कोतवाली चौक, इसाकचक, मिर्जान हाट, अलीगंज सहित भागलपुर के विभिन्न क्षेत्रों से गुजरा। इस दौरान प्रत्याशी संतोष कुमार खुली गाड़ी में सवार रहे। सड़क के दोनों ओर अपने प्रत्याशियों को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ लगी हुई थी। संतोष कुमार अपने हाथों को हिलाकर अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए चल रहे थे। संतोष कुमार के साथ भागलपुर के प्रसिद्ध युवा समाज सेवी विजय यादव भी पूरे दमखम के साथ समर्थन में चल रहे थे। उप महापौर प्रत्याशी संतोष कुमार के साथ उनके समर्थक दो पहिया वाहन और चार चक्का वाहन पर चलते नजर आए, जो संतोष कुमार जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। कार्यकर्ताओं में रोड शो के दौरान काफी जोश दिखा और अपने प्रत्याशी की जीत के प्रति आश्वस्त मीडिया से बात करते हुए प्रत्याशी संतोष कुमार ने बताया कि वो लगातार कई दिनों तक प्रचार के क्रम में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में घूमे और उन्हें नजदीक से शहर की समस्याओं को जानने का मौका मिला। उन्होंने अपने विजन से जनता को अवगत कराया है और जनता का भी भरपूर प्यार अपने चुनाव प्रचार के दौरान मिलता रहा। अब उनका फर्ज हो गया है कि जनता अगर अपना प्यार उन्हें मत के रूप में देती है और उन्हें उप महापौर के पद पर बैठाती है तो वो भी जनता के प्यार को सूद सहित वापस कर तन मन धन से शहर के विकास में जुट जाएंगे और पूरे शहर को खूबसूरत शहर बनाएंगे, शहर की हर समस्याओं का समाधान किया जाएगा। वहीं संतोष कुमार के समर्थकों से जब बात की गई तो वो लोग पूरे जोशो खरोश में दिखे और संतोष कुमार को जिताने के लिए हर संभव मेहनत करने की बात करते दिखे। उन लोगों ने कहा कि उनके प्रत्याशी संतोष कुमार को हर जगह से भरपूर समर्थन मिल रहा है और उनकी जीत पक्की है। जनता का भरपूर समर्थन है, बहुत ज्यादा प्यार भरा है। आप देख रहे हैं कि जनता खुद से अपने मेरे जुलूस समर्थन में आई हुई है। हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि 28 तारीख को मतदान होना है और हमारा अच्छा पानी का जहाज है, क्रमांक संख्या 8 है, तो भारी मतों से हमें विजयी बनावे। जनता का पूरा समर्थन है हमारे साथ, पूरा समाज लगा हुआ है और शहर की समस्या जो है बहुत बदहाल स्थिति में है। आज जो है आज महाराष्ट्र जो है नगर निगम जो चुनाव हो रहा है, नगर निगम के अंतर्गत जो भी चीज़ें आती है वो किसी भी चीज़ की व्यवस्था शहर में नहीं है, ना स्मार्ट शहर है, ना स्मार्ट गली गांव है, कुछ भी स्मार्ट नहीं है। शहर में किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, रोड नाला से लेकर
आपका जो है गली गली में जो है जल नल की योजना जो चल रही थी उसकी भी व्यवस्था नहीं है। आपका जो है मध्यखंड जो है शहर का उसमें भी बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। और आप देख रहे हैं कि बुनकर की भी समस्या, फुटकर विक्रेताओं की भी समस्या है। और शहर में जो है आपका जो है जाम की समस्या, काफ़ी समस्या है। और देख रहे हैं कि जो है बस स्टैंड में जो है बाथरूम की व्यवस्था नहीं है, टोटो स्टैंड की व्यवस्था नहीं है। शहर में जो है 80% काम नगर निगम के थ्रू जो है जनता उस पर आश्रित रहती है, लेकिन किसी भी प्रकार की जो है काम नहीं हो पाया शहर में। और शहर सिर्फ स्मार्ट सिटी के नाम पर है, इसलिए हम जनता से अपील करते हैं कि अगर हम जीत के आएंगे तो आपके उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। और हम चाहते हैं कि आप हमें समर्थन दें, अपना प्यार दें, अपना भरपूर सहयोग करें। और 28 तारीख को जो मतदान होना है उस मतदान में जो है आप हमें भारी मतों से जिताबें। हमारा जो है सिंबल पानी का जहाज है और क्रमांक संख्या 8 है। और जनता को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं इतना प्यार देने के लिए, इतना सहयोग देने के लिए। श्रीराम सेना संगठन के तरफ से, भागलपुर के तरफ से संतोष कुमार जी को, जिनका की पानी का जहाज छाप है क्रमांक संख्या 8 पर, उनको हमारी तरफ से भरपूर समर्थन मिल रहा है। हम लोगों ने शहर परिवर्तन का मन बना लिया है और इस बार जो ऐतिहासिक जीत संतोष जी लेकर के आएंगे वो इस शहर की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। संतोष कुमार उप महापौर के प्रत्याशी हैं, जिनका पानी का जहाज छाप क्रमांक 8 पर है, उनको अपार जन समर्थन भागलपुर के 51 वार्ड से मिल रहा है। 51 वार्ड से लोगों का अपार जन समर्थन संतोष कुमार के साथ है। घर से युवा महिलाएं निकालकर उनके लिए प्रचार प्रसार कर रही है। हर एक समुदाय के लोगों का, हर एक जाति के लोगों का संतोष कुमार के साथ समर्थन है। और आने वाले 28 तारीख को लोग घर से निकलकर उनके समर्थन में मतदान कर रहे हैं, जिसका 30 तारीख को ऐतिहासिक परिणाम निकलेगा और संतोष कुमार प्रचंड मत के साथ विजयी। 28 तारीख को सभी लोग घर से निकले और संतोष कुमार के समर्थन में एक एक लोगों को निकालकर कोई लोग छूट ना पाए, हर एक लोगों को जोड़ते हुए उनके समर्थन में वोट करेंगे कि आप सभी संतोष कुमार को भारी बहुमत से जितावे, ताकि आपके समाज, आपके नगर निगम का सही से देखभाल और सही से सारा काम हो सके। हमारे संतोष कुमार का चुनाव चिन्ह है क्रमांक संख्या 8 में पानी का जहाज छाप। मैं सभी भागलपुर के मतदाताओं से अपील करता हूं कि भारी भारी मतों से इन्हें जिताकर विजयी बनाएं। आप भागलपुर की जनता से मेरा अपील है कि मेरा भाई संतोष कुमार शाह डिप्टी मेयर प्रत्याशी, पानी का जहाज क्रमांक संख्या 8, उनको भारी बहुमत से जिताए। आप लोग का मैं सदा आभारी बना रहूँगा। संतोष कुमार का समर्थन बहुत अच्छा है, सब पूरा समाज का आदमी उनके साथ है, अच्छा वोटिंग करें, उनका अच्छा सपोर्ट है। और हम लोग, मेरा अपील है कि सब लोग समाज का आदमी मिलकर संतोष कुमार को जहाज छाप में वोटिंग करें, जो कि उसका हाथ मजबूत हो, जो कि आगे समाज के लिए, शहर के लिए कुछ काम करे। हमारे साथ मौजूद है इस वक्त वार्ड नंबर 38 के वार्ड पार्षद पद के प्रत्याशी अश्वनी जोशी मुंटी, जिन्होंने अपना जनसंपर्क अभियान जो है भागलपुर के वैरायटी चौक में व्यवसायियों से मिल रहे हैं। आखिरी चुनाव प्रचार का दौर है, सीधे उनसे बात करते हैं। मुंटी जी, कैसा लग रहा है माहौल? देखिए, आज मैं सड़क पर निकला हुआ हूँ, वैसे तो मैं सड़क पर ही रहता हूँ, लेकिन आज जो हमारे वार्ड की जनता में उत्साह देख रहा हूँ, उस उत्साह को देख के एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है, जो ऊर्जा मेरे वार्ड के काम आएगी, वार्ड के समस्याओं के निदान के लिए मुझे काम आएगी। आप देख सकते हैं कि कैसा जन समर्थन मिल रहा है और पूरे वार्ड की जनता बहुत आशीर्वाद दे रही है। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, क्या भरोसा दिलाना चाहेंगे अपने वार्ड के लोगों को, व्यवसायियों को? मैं सिर्फ वार्ड की जनता को इतना ही भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि मैं विगत 18 वर्षों से समाज सेवा के प्रकल्पों में आपके साथ खड़ा रहा हूं और आगे भी वार्ड संख्या 38 के चौमुखी विकास के लिए संकल्पित कार्यकर्ता को यदि जनता मौका देगी तो मुझे लगता है कि मैं आज आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाहता हूं कि एक नंबर जो हमें मिला है, एक नंबर कलम दवा छाप, तो एक नंबर बटन जब जनता दबाएगी तो वार्ड संख्या 38 51 वार्ड में सबसे एक नंबर पर रहने वाला है, वो चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे वो पानी की व्यवस्था हो, चाहे राशन कार्ड की बनवाना हो, जितनी भी मूलभूत समस्या है उस मूलभूत समस्या से निराकरण के लिए आज मैं सड़क पर निकला हूँ। जनता मुझे आशीर्वाद दे रही है, जनता के आशीर्वाद के दम पर मैं सड़क पर हूँ। परसों 28 तारीख को जब कलम दबा छाप पर बटन दबाकर मुझे विजय बनाया जाएगा
तो उसी कलम दबाव से वार्ड संख्या 38 की तकदीर और तस्वीर को लिखने का काम आम जनता के और मेरे अभिभावक, आप देख सकते हैं कैसे जनसमूह मेरे साथ घूम रहा है, ये मेरे अभिभावक है, मेरे युवा साथी है, मेरे परिवार के सदस्य, वार्ड संख्या 38 के जितने भी घर हैं वो मेरे परिवार के सदस्य के नाते मुझे मौका दे रहे हैं, मैं परिवार के एक छोटे कार्यकर्ता के रूप में उनके साथ सदा खड़ा मिलूंगा। कुछ दुकानदारों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि क्या मोंटी जोशी चुनाव के बाद भी उनके लिए सुलभ रहेंगे, उपलब्ध रहेंगे? देखिए मोंटी जोशी सुलभ और दुर्लभ का कोई विषय ही नहीं है, ना दुर्लभ और सुलभ का कोई विषय नहीं है। हमारे वार्ड की जनता जो जागरूक जनता है, समझदार जनता है, वो मोंटी जोशी अपने कार्यकर्ता को जानती है कि वो एक फोन पर उपस्थित होने वाला कार्यकर्ता है, और मुझे ये पता भी चल जाता क्यों, चूंकि मैं 16 घंटा इसी वार्ड की 51 गलियों में विचरण करने वाला कार्यकर्ता हूँ, इसीलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी वार्ड संख्या 38 की जनता मुझे पूर्ण आशीर्वाद देकर और अपार बहुमत से मुझे जिताकर भेजेगी, और मुझे जितना शक्ति वार्ड संख्या 38 की जनता दे रही है उसी शक्ति से मैं वार्ड संख्या 38 के चौमुखी विकास को करूंगा। और व्यवसायियों का वार्ड है, व्यवसायियों को वार्ड संख्या व्यवसाय सम्मान से करेगा और निर्भीक होकर करेगा, यही मैं मेरे व्यवसायी बंधुओं से निवेदन करता हूं कि मुझे वक्त दें। आइए कुछ उनके समर्थक में हैं, क्या लग रहा है इस बार, क्या लग रहा है इस बार? निश्चित रूप से हमारे वार्ड से जो है युवा जो है अश्वनी जोशी मोंटी की जीत सुनिश्चित है और सबसे अधिक मतों से जीतेंगे, क्योंकि इन्होंने बिना वार्ड पार्षद रहते हुए भी वार्ड नंबर 38 की जनता की सेवा की है, इसलिए इनके इनके साथ हैं, एकदम निश्चित रूप से हम लोग इनके साथ हैं। कुछ और साथी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं, बताइए क्या लग रहा है आज तो चुनाव? निर्भीक व्यापारी, निर्भीक वार्ड काउंसिलर, जो 38 नंबर की जनता चाह रही है वही है मोंटी जोशी, 24/7 उपलब्ध था और रहेगा। आप लोगों का कितना समर्थन मिल रहा? भरपूर समर्थन, व्यवसायियों का भरपूर समर्थन है। आइए कुछ और लोग हमारे साथ, बताइए। मोंटी जोशी हम लोगों के साथ में कम से कम 18-20 सालों से लगातार काम कर रहे हैं, हम लोग भरपूर सहयोग कर रहे हैं और पूरी जनता जो है 38 वार्ड की मोंटी जोशी के साथ में है। मोंटी जोशी के साथ में कुछ और युवा साथी हमारे साथ हैं, बताइए इस बार क्या मूड लग रहा है आप लोगों? देखिए भरपूर समर्थन है हमारे भैया को, और ये शुरू से 18 साल से हमारे साथ लगे हुए हैं, और आज नए नहीं हैं, कुछ नए चेहरे आए हुए हैं जो कि काम करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग ने मोंटी जोशी को देखा है काम करते हुए, और हम निस्फिकर हैं कि इनको जिता के अपार बहुमत से इनको विजय बनाए और अपना आशीर्वाद दे। तो चलिए ये थे मोंटी जोशी के समर्थक, जिनका साफ कहना है कि इन लोगों का पूरा समर्थन अश्वनी जोशी मोंटी के लिए है, क्योंकि 24/7 मोंटी जोशी इनके साथ रहने वाले हैं। बहरहाल समर्थकों के उत्साह को देखते हुए अश्वनी जोशी मोंटी ने भी ये दावा किया है कि इस बार रिकॉर्ड मतों से वो अपने वार्ड नंबर 38 से जीत हासिल करेंगे और पूरे 51 नंबर वार्ड में उनका वार्ड जो है वो टॉप पर रहेगा। अश्वनी जोशी मोंटी का जीत उनका दावा है, ये सुनिश्चित है। कैमरा पर्सन अमित राज के साथ मिलिंद गुंजन, टीवी अंग प्रदेश, भागलपुर। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले चुनाव को लेकर पिछले कई दिनों से चलता रहा चुनावी प्रचार आज थम गया। अब 28 तारीख को मतदान होना है। चुनाव प्रचार के दौरान जहां प्रत्याशी सुबह से लेकर देर रात तक हर घर जाकर अपने मतदाताओं से मिलकर उन्हें अपना विजन बताकर अपने पक्ष में मत देने की अपील करते नजर आ रहे थे, वहीं आज प्रचार के अंतिम दिन प्रत्याशियों ने अपने समर्थकों के साथ रोड शो किया। इसी क्रम में नगर निगम भागलपुर के वार्ड संख्या 48 से पार्षद पद की उम्मीदवार सुनीता देवी अपने समर्थकों के साथ वार्ड 48 के सभी मोहल्ले में रोड शो की। सुनीता देवी का रोड शो इसाकचक पासी टोला से शुरू होकर पानी टंकी, बिसरी स्थान, लीची बगान, व्यायामशाला, सिपुरी कॉलोनी के हरेक गलियों से होकर गुजरा। सुनीता देवी का रोड शो उनके चुनाव चिन्ह ढोल और नगाड़े के साथ निकला। रोड शो में भारी संख्या में महिलाएं शामिल थी। रोड शो के दौरान सुनीता देवी अपने मतदाताओं से मिलती रही, मिलकर उनका आशीर्वाद लेती रही और अपने पक्ष में मत देने की अपील करती नजर आई। इस दौरान मतदाताओं में सुनीता देवी के पक्ष में जबरदस्त जन समर्थन दिखा। सुनीता देवी के समर्थक सुनीता देवी जिंदाबाद, ढोल छाप जिंदाबाद के नारे लगाते पूरे जोश में दिखे। सुनीता देवी के समर्थकों ने बताया कि इस बार वार्ड में बदलाव की बयार चल रही है, इस बार वार्ड की कमान हम लोग सुनीता देवी के हाथ में देने जा रहे हैं। पिछले 5 सालों में वार्ड में विकास सिर्फ चिन्हित स्थानों पर ही देखने को मिला, जबकि लगभग सारा वार्ड विकास से कोसों दूर रहा। नाली और पानी की समस्या से पूरा वार्ड परेशान रहा, नालियां बजबजाती रही,
नहीं सड़कों पर नाली का पानी बहता रहा। लोगों ने कहा कि पूर्व वार्ड पार्षद रामाशीष मंडल ने 10 सालों तक वार्ड की सेवा की है और उस दौरान वार्ड में साफ सफाई रहती थी, सड़क नाले बिजली हर चीज की स्थिति काफी बेहतर थी, हर जगह विकास दिखता था, लेकिन 5 सालों में वार्ड की स्थिति बद से बदतर हो गई है। इसलिए इस बार हम लोग सुनीता देवी का समर्थन कर उन्हें अपना वार्ड पार्षद बनाएंगे। वहीं अपने समर्थकों में उत्साह देखकर प्रत्याशी सुनीता देवी अपनी जीत की प्रति आश्वस्त दिखी। उन्होंने कहा कि जनता का भरपूर स्नेह मिल रहा है, इस बार उनकी जीत पक्की है। जीतने के बाद वार्ड में विकास कार्यों को शुरू किया जाएगा जो पिछले 5 सालों से अवरुद्ध है। वहीं सुनीता देवी के पति और पूर्व वार्ड पार्षद रामाशीष मंडल भी जनता से मिल रहे समर्थन से जोश में दिखे और बड़ी जीत का दावा किया। सभी का भरपूर प्यार मिल रहा है, इस बार बदलाव होना चाहिए। लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं 28 तारीख को? यही पहले मतदान कीजिए, फिर जलपान कीजिए, सवेरे उठ के अपने आगे अपना मतों का सदुपयोग कीजिए, घर घर से सब कोई आइए और अपना मत दे के ही फिर जलपान या कोई और दूसरा जो जरूरी काम हो कीजिए, लेकिन वोट देने जरूर आइए। जुलूस निकाले हैं कि जनता से जो है अपील करना चाह रहे हैं और ये हमारा जो आशीर्वाद यात्रा आज अंतिम दिन है प्रचार प्रसार का, इसलिए हम जनता से अपील करना चाहते हैं कि आप जो है 28 तारीख को सुबह 7 बजे जो है पहले जो है मतदान कीजिए, उसके बाद जो है जलपान कीजिए और आपके लिए जो है जो सही उम्मीदवार है, जो सही प्रत्याशी है, जो आपके काम में आ सकता है और समाज को सुरक्षित कर सकता है, जो स्वच्छ समाज का निर्माण कर सकता है, स्मार्ट वार्ड बना सकता है, उसी प्रत्याशी को जो है आप मतदान कीजिए, ढोल छाप पर बटन दबा करके भारी मतों से विजयी बनाइए ताकि आपका जो वार्ड जो है स्मार्ट वार्ड बन सके और जनता जो सुरक्षित रह सके और वार्ड के अंदर जो भी जो है क्राइम हो रहा है उसे जो बंद करने का हमको एक बार अवसर चाहिए। दोबारा मैं यदि ये इलाके को शांत नहीं किया, स्मार्ट वार्ड नहीं बनाया और क्राइम पर कंट्रोल नहीं किया तो दोबारा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और आपके आशीर्वाद की आवश्यकता है, क्योंकि जनता ही जनमादन है और जनता ही मालिक है, जनता जिसे चाहेंगे बैठाएंगे, जिसे चाहेंगे उठाएंगे। लेकिन हम जो जनता से विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं कि हमें जो है इस बार जो है एक बार मौका दीजिए, मैं आपके विश्वास पर और आपके जो है सपनों पर जो है खरा उतरूंगा, यही नहीं उतरा तो फिर आप मुझे दोबारा मत नहीं देने का काम करेंगे। नगर निकाय चुनाव के दूसरे चरण में होने वाले मतदान से पूर्व आज चुनाव प्रचार थम गया। इस दौरान सभी प्रत्याशियों ने रोड शो के जरिए दमखम दिखाया। इसी कड़ी में वार्ड 42 के निवर्तमान पार्षद सरजुक प्रसाद शाह अपने समर्थकों के साथ वार्ड के सभी गली मोहल्लों में रोड शो करते नजर आए। रोड शो के दौरान उन्हें जनता का भरपूर प्यार मिलता नजर आया, समर्थकों में जबरदस्त उत्साह दिख रहा था। सरजुक शाह ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में उन्होंने वार्ड में पूरे भागलपुर में सबसे अधिक विकास कार्य किए हैं, लगभग 5 करोड़ की योजनाएं अपने वार्ड मिलाकर काम करवाया है, इसलिए जनता उन्हें उनके विकास को पसंद कर रही है और फिर से उन्हें जीत की माला पहनाना चाहती है। वो भी जनता के विश्वास को पाकर लगातार वार्ड में काम करते आ रहे हैं और इस बार फिर से उनकी जीत होगी और वार्ड में इस बार और दुगनी तेजी से विकास कार्य पूरे किए जाएंगे। अंदर से मेरा समर्थन सारे जनता का मिल रहा है, जनता है जय भगवान, जनता जो चाहेगा वही करेगा। भागलपुर पुलिस ने एक बार फिर शराब माफियाओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। जगदीशपुर पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शराब झारखंड से दुमका के रास्ते भागलपुर लाया जा रहा है। जगदीशपुर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब माफिया का पीछा किया, लेकिन शराब माफिया भागने में सफल रहे। शराब माफिया के बारे में बाईपास थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश को जानकारी दी गई। बाईपास थाने की पुलिस ने 10 कार्टून विदेशी शराब के साथ शराब तस्कर और गाड़ी को जगदीशपुर थाना तथा बाईपास टीओपी थाना के बॉर्डर पर ही धर दबोचा। पुलिस ने कार की जब तलाशी ली तो
रॉयल ब्रांड के 10 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद की। पुलिस ने मौके से शराब तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और कार को जब्त कर लिया है। बायपास थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश कुमार ने बताया कि जगदीशपुर थाना अध्यक्ष अमित कुमार को गुप्त सूचना मिली थी कि कार से विदेशी शराब भागलपुर लाया जा रही है, लेकिन शराब तस्कर सनहौला चेक पोस्ट से जगदीशपुर पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल रहा और जगदीशपुर थाना तथा बायपास टीओपी थाने के बॉर्डर पर बायपास थाना अध्यक्ष ओम प्रकाश कुमार एवं एएसआई नीतीश कुमार ने अपने दलबल के साथ त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब समेत शराब तस्कर को खदेड़ कर पकड़ा। अब आगे कार्रवाई की जा रही है।